सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने सेकेंड सेमेस्टर का एवरेज नंबर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीएनपी सचिव का बयान आया था कि जो भी प्रशिक्षु जिनका एवरेज मार्क्स से अधिक मार्क्स है, यानी कि जो भी एवरेज औसत अंक से अधिक नंबर लेकर के आए हैं जो प्रशिक्षु, वह पास हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, भले ही उनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक होगा। अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट में बैक है और जब आप पूरे नंबर अपने जोड़ रहे हैं, जो आपने जिन सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे उनके जब आप नंबर जोड़ रहे हैं, तो आपका 50% से ऊपर नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप सभी लोग क्या हैं, आप सभी लोग पास हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, इतना सरल तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। ये आपके सारे पेपर हैं जिनका आपने एग्जाम दिया था, यही सातों पेपर हैं जिनका आपने एग्जाम दिया था। ये सातों नंबर जब आप जोड़ेंगे, सातों सब्जेक्ट जब आप जोड़ेंगे इन सातों विषयों को, तो ये आएंगे 250 नंबर के। कितने आएंगे? 250 नंबर के आएंगे दोस्तों। और इन 250 नंबर में से अगर आपने 125 नंबर प्राप्त किया है, 250, ये जितने पेपर है, ये पेपर इनका नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यही देखिए एक्सटर्नल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला पेपर आपका, दूसरा पेपर, और इनमें जो नंबर आपको मिला हुआ है यहाँ पर मिला हुआ है, ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स, और ये ऑब्टेन आपने कितना प्राप्त किया है एक्सटर्नल में, यानी कि लिखित परीक्षा में, तो आपने 50 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 50 में से 32, 50 में से 29, ठीक है। तो इन्हीं नंबरों को आपको खाली जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ इनको जोड़ लीजिए। अगर 250 में से 125 से अधिक आ रहा है, यानी कि 125, 126, 127, अगर आपका इससे ज्यादा है, 150, 160, 170, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो क्लियर है, यानी कि आसानी से आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, भले ही आपका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यह अंग्रेजी में 13 नंबर लेकर के आए हैं, अगर यहाँ पर 11 नंबर इनका होता तो ये क्या होते? फेल होते, ठीक है। लेकिन अब इनका हम अगर टोटल जोड़ेंगे, ये जितने नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके जब हम टोटल नंबर जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इनका टोटल आ रहा है 173 नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 173। तो आप देखिए 125 से कितना ज्यादा है ये 173। अगर ये मान लीजिए इसमें फेल भी होते, 13 की जगह अगर इनका 11 नंबर भी होता, तो यहाँ पर अगर दो घटाएंगे तो कितना आएगा? 171 ही तो आएगा, तभी भी तो ये 125 से बहुत ज्यादा है 171। तो इस तरीके से जिन भी प्रशिक्षुओं का 125 नंबर से ऊपर है, एक्सटर्नल नंबर 125 से ऊपर है, वे सभी प्रशिक्षु पास हैं, ठीक है। आप लोग बिना किसी डर के अपने थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करिए। अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा तो सीधे आपको फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देना रहेगा, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जिस भी विषय में आपका बैक लगा है, जिस भी विषय में आपका बैक लगा है, सिर्फ और सिर्फ उसी विषय का आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी विषय का पेपर देना होगा। अब हम यहाँ पर देखिए औसत परसेंटेज कैसे निकालना है, ये आपने अगर इतना जान लिया तो आप अपने अंदर का आपने डर बिल्कुल खत्म कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर कोई कहेगा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप सिंपली समझ लीजिए दोस्तों कि अगर 20 नंबर का एग्जाम है तो अगर 10 नंबर आप पाए हैं तो आप पास हैं, तो वही यहाँ पर भी है, 250 नंबर का पेपर है, अगर आप 125 नंबर पाए हैं पूरे टोटल में तो आप पास हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 173 ये पाए हैं 250 में से, 250 नंबर में से यह पाए हैं 173। अब हम 250 में से यह 173 पाए हैं गुणा 100 कर देंगे, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 69.2%, यानी कि 50% से बहुत ज्यादा है ये, तो आसानी से ये क्या हो गए? पास हो गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिसका भी एवरेज नंबर से अधिक है वे सभी प्रशिक्षु पास हैं, भले ही उनका एक या दो सब्जेक्ट में एक या दो नंबर से बैक लग गया है, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ये परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इतना केवल कर सकते हैं कि 250 नंबर में से अगर 125 नंबर से अधिक आप पाए हैं तो आप वैसे ही पास हैं, ठीक है। तो आप आसानी से देख लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं टोटल जोड़ने पर, और इस तरीके से आसानी से आप लोग अपना परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इस तरीके से करके। तो अगर 50% से ऊपर आ रहा है तो आप सभी प्रशिक्षु बिल्कुल, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हैं, आपको सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी विषय में बैक लगा है बस उसी का पेपर देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को उन फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे जो लोग बहुत परेशान हैं एवरेज मार्क्स को लेकर के, जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है, जो बहुत परेशान हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु हमारे पास कमेंट कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं, और मुझे
अच्छे से पता है कि 99% प्रशिक्षु आसानी से प्रमोट हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि अक्सर जितने भी प्रशिक्षु हैं सबका 1, 2, 3 इन्हीं नंबरों से बैक लगा हुआ है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थे। तो आप सभी प्रशिक्षुओं के पास ये जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो दोस्तों, जिससे जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी लोग जिनके अंदर भी डर बस गया है कि अब फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर पूरे देने होंगे, वो लोग इस डर को खत्म करके अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी कर पाए। आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर हम सारे विषयों को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग सभी विषयों को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल से जुड़िए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर छोड़ के जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को सब जगह शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी एक नंबर से बैक लगा है, जो भी बहुत परेशान है वह इस वीडियो को पा करके बहुत खुश होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।